आज हम जानेंगे कि टचपैड को इफेक्टिव यूज कैसे करते हैं। जैसे टचपैड में अगर राइट क्लिक करना हो तो हम दो फिंगर से क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक हो जाता है। आपको जाके टचपैड में राइट साइड में, लेट मी शो यू टचपैड का विंडो, इमेज, ठीक है, टचपैड इमेज है। देखिए टचपैड इमेज में एक ये राइट साइड का बटन होता है, राइट साइड बटन को दाबने से अच्छा ये बीच में दो फिंगर से क्लिक करोगे तो राइट मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है। और दो फिंगर से सर स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर नीचे, तीन फिंगर से करोगे तो विंडो मिनिमाइज हो जाता है। अब ये दो फिंगर हर लैपटॉप में ऑटोमेटिक एक्टिव नहीं होता कि दो फिंगर से क्लिक किया तो राइट मेन्यू खुल गया, सिंगल फिंगर से क्लिक किया तो ओपन होता ही है, और थ्री फिंगर से ड्रैग करने पे मिनिमाइज हो जाएगा, थ्री फिंगर से ड्रैग करने पे ओपन हो जाएगा विंडो। सो यू डोंट हैव टू गो विंडो डी का जरूरत नहीं है, आप माउस पैड पे ही कर सकते हो। बट मेरा मेन पर्पस ये है कि डबल क्लिक, ये डबल क्लिक को एक्टिवेट कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना, आपको जाना विंडो पे, टच पैड सर्च करना है, टच पैड सेटिंग। एक्चुअली मेरे ऑफिस में क्लिक को इशू हो रही थी तो यहाँ पे टैप विथ टू फिंगर ऑन टू राइट क्लिक, ठीक है, ये लिखा है ना, टैप विथ टू फिंगर टू राइट क्लिक, इसको टिक कर देना है, ठीक है। और टैप ट्वाइस टू ड्रैग मल्टीपल सिलेक्शन, वो डबल क्लिक करके मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए होता है। तो जब इसको हटा दोगे, अब मैं डबल क्लिक करूँगा डेस्कटॉप पे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वापस इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, दो फिंगर से क्लिक करूँगा, डबल क्लिक नहीं सॉरी, दो फिंगर से क्लिक करूँगा तो राइट साइड का मेन्यू खुल जाता है, ठीक है। अब कितनों में क्या होता है ना, जैसे कि डेल के लैपटॉप में, जैसे मैं एचपी का लैपटॉप है तो सामने मुझे दिख रहा है ऑप्शन, डेल के लैपटॉप में सामने ऑप्शन नहीं दिखेगा। उस केस में क्या करना है, नीचे आपको एक एडिशनल सेटिंग करके ऑप्शन आएगा यहाँ पे, उस एडिशनल सेटिंग में जाओगे तो फिर एक नया विंडो बॉक्स खुलेगा। उस विंडो बॉक्स में सेकेंड मेन्यू में आपको ये डबल फिंगर वाले पे का ऑप्शन आ जाएगा, उसको चेक करके ओके कर दोगे तो फिर आपका ये डबल क्लिक से राइट साइड प्रॉपर्टीज मेन्यू और एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि डबल क्लिक में टू फिंगर क्लिक से हो जाएगा। और ये है ड्रैग टू फिंगर टू स्क्रॉल डाउन, जैसे लोग यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं टू फिंगर से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, टू फिंगर टच पैड पर रख के स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये भी ऑप्शन वही मिलेगा आपको, ये भी आप कर सकते हो। और वही ये ट्रिपल फिंगर करोगे तो डेस्कटॉप दिखने, डाउन का डेस्कटॉप दिखेगा, अप करोगे तो मल्टीपल विंडो, इसे मल्टीपल विंडो दिख जाएगा। और ऐप स्विच करना है तो ट्रिपल फिंगर से लेफ्ट साइड मूव करोगे तो ऐप स्विच होता है, ठीक है, ऐसे अच्छा हाँ, तो ये प्रैक्टिस होता है। हालांकि मैं इसमें मल्टीटास्क व्यू और डेस्कटॉप व्यू करता हूँ, स्विच ऐप का भी मैं इस्तेमाल नहीं करता इसको, ठीक है, और फोर फिंगर मैं यूज़ नहीं करता, मेरे पास टू फिंगर इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है।